तो साथियों, ये है हमारी घटना चक्र दृष्टि का ये छठवीं प्रैक्टिस सेट। आपका जो एग्जाम होने वाला है उत्तर प्रदेश लोक सेवा द्वारा आयोजित यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 का, उसी के लिए साथियों हम लोग लाए थे ये घटना चक्र दृष्टि का ये छठवीं प्रैक्टिस सेट। मैं आपको जब ये सॉल्व करा रहा तभी बताया था ये 150 प्रश्नों की साथियों ये टेस्ट सीरीज है हमारी, एक से बढ़कर एक प्रश्न भरे गए हैं। मैं इसकी तारीफ पिछले वीडियो में कर चुका हूँ, कैसा है आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो पांचों जो जीएस का मैं पढ़ा हूं आप लोग देख लीजिएगा। ये हमारी ये छठवीं सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज है और वेल बैलेंस तरीके से पूरे प्रश्न को रखा गया है। जिस तरीके से आप लोग जानते हैं घटना चक्र के बारे में कितनी बड़ी और विश्वसनीय संस्था है, तो इन्होंने बिल्कुल प्रश्न को उसी तरीके से आपके यूपीपीसीएस के सिलेबस को ध्यान में रखकर उसी तरीके से प्रश्न को सेट किया है जिस तरीके से आपका एग्जाम यूपीपीसीएस में प्रश्न जो है आते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। तो 150 प्रश्नों की इस टेस्ट सीरीज में साथियों हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 75 तक सॉल्व कर लिए थे, क्योंकि सब समय के अभाव में हम लोग इसको छोड़ दिए थे यही पार्ट वन बनाकर, और मैं बोला था इसके बाद हम लोग पार्ट टू में जो है क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर 150 तक सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं इसके पार्ट टू में क्वेश्चन नंबर 76 से देखते हैं साथियों। बहुत बढ़िया, एक से बढ़कर एक प्रश्न है, आपको यहाँ बहुत सारा फैक्ट बहुत सारा कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। तो आपसे यही निवेदन है आप लोग वीडियो को पूरा फुल देखा करिए, क्योंकि शॉर्ट वीडियो देख देख कर आजकल बच्चों में पेशेंस की कमी होती जा रही है, अच्छी चीजों को पसंद नहीं कर पाते हैं। जो ब्रांडिंग के नाम पर चीजें हैं आजकल वही पसंद की जाती हैं, जो नई चीजें जो है बेहतर तरीके से आती हैं लोग वहां ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो साथियों आपसे यही निवेदन है, आप हमारी अगर इस प्रयास को आपके लिए थोड़ा सा भी लाभदायक सिद्ध हो तो वीडियो को हमारे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, धन्यवाद। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया, तो साथियों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 76, बहुत बढ़िया साथियों, मैचिंग वाला हमारा प्रश्न है। यहाँ से एक से बढ़कर एक प्रश्न आपको मिलेंगे जो आपको बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी देंगे। तो साथियों मैचिंग वाला प्रश्न हमारा कभी गलत नहीं होता है, हमारे पास जानकारी कम होती है तो फिर भी हम मैचिंग वाले सवाल को जो है कर ले जाते हैं, इसको क्रैक कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो हमको जानकारी सही से हो उसी को मिला दें। एक तरफ हमें दिया है कि कुछ व्यक्तियों के नाम और दूसरी तरफ लिखा है किसने क्या लिखा है उनका नाम। तो यहाँ पर साथियों आपको देख रहे हैं सी पर मिनहाज उस सिराज, ये लिखे हैं तबकात ए नासरी, यानी सी दो पर जाएगा, और सी दो पर कहाँ है, केवल डी में है, तो आपका उत्तर डी हो जाएगा। देखो हमें केवल एक फैक्ट यहाँ मालूम था साथियों, एक फैक्ट की वजह से हम लोग उत्तर को निकाल लिए डी होगा, कैसे, क्योंकि सी दो पर आना चाहिए तो सी दो पर केवल डी वाले में सेट, डी वाले सेट में बन रहा है। तो इसी तरीके से हम लोग पता पा गए। अब हमारा जो है ए वाला तीन पर जाएगा, यानी जियाउद्दीन बरनी ने क्या लिखा है, तारिक ए फिरोज शाही लिखा है। बी वाला चार पर जाएगा, हसन निजामी ने क्या लिखा है, तबकात ए अकबरी लिखा है। और जो है ये याहिया बिन अहमद ये चला आएगा तारिक ए मुबारक शाही, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो साथियों इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, बहुत सारे ऐसे फैक्ट पूछे जाते हैं। तो चलें हम लोग क्वेश्चन नंबर 77 में, यह एक आपको करंट से जोड़ दिया है, इसमें पूछ रहा है आपसे कि साइबर हमलों के सुरक्षा के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा अपने इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर में इंस्टॉल किए गए ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या नाम है। तो रक्षा मंत्रालय ने साथियों जो है जो इंटरनेट से कंप्यूटर जुड़े गए हैं उनमें एक इंस्टॉल किया है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसका नाम पूछ रहा है जो साइबर हमलों से सुरक्षा देगा, माया ओएस इसका यही नाम है, विकल्प नंबर ए सत्य होगा, इसे याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 78, बहुत बेहतरीन साथियों, आपके मॉडर्न इंडिया से सवाल ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, आपको अगर यहाँ जानकारी याद नहीं आ रहा हो तो थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा, आप यहाँ से उत्तर निकाल ले जाओगे। सिर्फ आपसे यह कह रहा है साथियों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय की घटनाओं का नाम दिया है और उन्हीं घटनाओं के कालक्रम को सही कालक्रम में रखना है। तो साथियों कुछ नहीं करना है, बस आप लोगों को साथियों मालूम होगा भगत सिंह के मृत्यु से पहले गांधी जो है गांधी इरविन समझौता कर लिए थे इरविन से, तो लोग यही आज कुछ लोग जो है गांधी जी को गाली देते हैं, उनका तर्क ये होता है कि जो है वो समझौता न किए होते तो
तो जो है हो सकता है उनकी फांसी रुक गई होती भगत सिंह की, यानी पहले समझौता हो गया था। यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग चार चौथे वाले में गांधी इरविन समझौता, यह कब हुआ था? 5 मार्च को, 5 मार्च 1931 को यह समझौता हुआ। और उसके बाद जानते हैं ये क्या हुआ इधर, जो भगत सिंह की जो फांसी कब हुई, इनकी फांसी 23 मार्च 1931 को हुई थी, 23 मार्च 1931 को इनकी फांसी हो गई साथियों। और उसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ 29 से 31 मार्च के बीच, 29 से 31 मार्च के बीच 1931 में ही यह कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उसके बाद साथियों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सबसे अंत में हुआ था, ये भी 1931 में हुआ था, लेकिन यह सितंबर में हुआ था, सितंबर में सबसे अंत में। तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज दिख गया होगा, जो एक नंबर पर है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सिर्फ दिमाग लगाना है साथियों, यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है। जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है सबसे अंत में हुआ था, तो यानी ये सबसे अंत में रहना चाहिए, यानी इसका उत्तर या तो डी होगा या तो सी होगा। और थोड़ा सा दिमाग लगाए, सबसे पहले नंबर पर ये गांधी इरविन समझौता होना चाहिए, क्योंकि यही सबसे पहले हुआ था, तो चार सबसे पहले होना चाहिए। तो यहाँ तीन पहले है, ये गलत हो गया, यहाँ चार सबसे पहले है, तो यही उत्तर होगा। यानी सबसे पहले चार हुआ, फिर तीसरा हुआ भगत सिंह को फांसी, फिर दूसरा हुआ ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, फिर पहला द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो मैं इसका एक्सप्लेन करके आपको मैं बता दिया कि आप जो है इसको सीखना, मतलब क्रम को सजाना सीखिए थोड़ा सा विकल्प के एलिमिनेशन के माध्यम से। तो आगे चले हम लोग 79 में साथियों, इसमें क्या कह रहा है देखें, बहुत बढ़िया एक फैक्चुअल सवाल है आपके जो है सामान्य जो है साइंस से। तो इसमें क्या कह रहा है साथियों आपसे, एक तरफ आपको सूची दिया है, आधा प्रश्न कट कर हमारा अगले पेज पर चला गया है, तो देखें उसे चिंता की बात नहीं है। तो एक तरफ दिया है आपको, कह रहा है कार्य, कार का मात्रक क्या होता है साथियों, जूल होता है। तो पहला वाला पहला पे ये जाएगा। और आवेग दिया है साथियों, आवेग का मात्रक आपको मालूम है न्यूटन पर सेकेंड होता है, आवेग का मात्रक न्यूटन, कैंडेला तो नहीं होगा, न्यूटन पर सेकेंड, न्यूटन पर सेकेंड होगा। तो अगले पेज से हमें पता चलेगा कि न्यूटन पर सेकेंड कहाँ है, तो हमें काटना पड़ेगा, अगले पेज पर चलते हैं हम लोग। और ये जो कैंडेला है इसका मात्रक ज्योति तीव्रता होता है, जेटी में लिख दे रहा हूँ, ज्योति तीव्रता। तो आगे देखते हैं इसका कहाँ है, इसका देखते हैं हम लोग, यहाँ पर होगा शायद, हाँ। और ज्योति तीव्रता तो कैंडिला का था, मैं ये बता दिया, और न्यूटन तो आवेग का था, और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। तो ये हो गया, यानी ए वाला सीधा था और डी वाला सीधा है। तो ऐसा कहाँ है केवल, ऐसा केवल ए में है, तो ए उत्तर होगा। अगर कोई कंफ्यूजन हमसे हुआ हो तो आप लोग मिला लीजिएगा, लेकिन उत्तर यही होगा, पहला वाला पहला पर था, डी वाला डी पर, और ये दोनों उल्टे हैं। तो आगे चले हम लोग, अब 80 क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं साथियों, इसमें क्या है, इसमें साथियों कह रहा है आपसे कथनों पर विचार करिए, आप विचार करके सही उत्तर दे दीजिए। तो यही दो कथन है, इनको पढ़कर अच्छे से सोच लीजिए और सही उत्तर दे दीजिए। कह रहा है जल तरंगों के श्रृंग पर जलकण तरंग पीछे की ओर संचरित करते हैं। तो साथियों ये जो है ये गलत है, श्रृंग जो है साथियों जल तरंगों पर, जलकण जो है तरंग के चलने की दिशा में आगे बढ़ते हैं, पीछे नहीं, जबकि गर्त में ये तरंगे पीछे जाती हैं। तो यहाँ पर जो है दोनों में उल्टा दे दिया, यहाँ पीछे रहना चाहिए था आगे दे दिया, और यहाँ जो है आगे रहना चाहिए था यहाँ पीछे दे दिया, दोनों उल्टे हो गए। इसका मतलब डी हो जाएगा, कोई भी सही नहीं है यहाँ पर। आगे बढ़ जाए हम लोग, अब देखें श्रृंग गर्त के बारे में आप लोग तो जानते होंगे साथियों, पढ़े होंगे, ये जो है उठने ये श्रृंग और ये गर्त, ये श्रृंग हो गया ये गर्त हो गया, आप लोग को पढ़ाया गया होगा, आप लोग जानते हैं। आगे चले हम लोग अब, और क्वेश्चन नंबर हम लोग 71 को देख लेते हैं, इसमें क्या कह रहा है साथियों। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय किया गया। तो आप लोग को मालूम होगा लॉर्ड डलहौजी, ये तो जो था ये जो है हड़प नीति लाया था, राज्यों को हड़प कर अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाता था। तो हड़प नीति में इन्होंने अवध को जो अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया था, तो किस आधार पर मिलाया था? तो साथियों कुशासन के, कह रहा था कि अवध का शासन सही नहीं चल रहा है, तो इसलिए हम
जो है उसको लेकर अच्छे से शासन चलाएंगे, यानी कुप्रशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया था। तो उत्तर हमारा यहाँ डी हो जाएगा, कुप्रशासन के कारण। जैसे उदाहरण सोच लीजिए, अभी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को कुशासन पर आरोप लगा दे, कहा वहां दंगा बहुत हो रहा है, ये हो रहा है, तो मोदी जी वहाँ जो है राष्ट्रपति शासन लगाकर उनको जो है मतलब वहां से मतलब उनकी सत्ता को ले लें कुछ समय के लिए, तो वही ऐसा समझ लीजिए। तो लेकिन यहाँ तो देखें, हम लोग 72 में देखते हैं यहाँ क्या है साथियों। देखें 72 में ये पूछ रहा है आपसे, कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तीन आपको जोड़े दिए गए हैं, कौन सा जोड़ा सही है तो उसके हिसाब से विकल्प में आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर जो है कनारी धारा दिया है, क्यूराइल धारा दिया है, अलगुहाज धारा दिया है। कभी कभी इन धाराओं को पूछा जाता है कौन सी ठंडी धारा है, कौन सी गर्म धारा है। तो आपको बता दें केवल गर्म धारा अलगुहास है, वैसे भी कोई अलग बैठा रहे ऐसे ट्रिक सोचिए, ये गर्म धारा है अलगुहास, गर्म धारा है। तो ट्रिक सोच लीजिए, जो अलग बैठा हो, सबसे अलग हो, इसका मतलब उसका दिमाग गर्म होगा, तो वो गर्म है। तो कनारी, नारी वैसे ही दिमाग ठंडे दिमाग की होती है, और क्यूराइल, तो ये नारी और क्यूराइल ठंडी धारा है, और गर्म ये जो है अलगुहास गर्म धारा है। ये तो मैंने आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी दी। अब हमें ये बताना है साथियों, ये जो है कौन सी सही सुमेलित है। तो कनारी धारा अटलांटिक महासागर संबंधी से साथियों प्रशांत से नहीं है, तो ये यहाँ पर आएगा। और क्यूराइल जो धारा है साथियों, ये उत्तरी प्रशांत महासागर से है, तो ये यहाँ पर चला आएगा। तो ये केवल अलगुहास हिंद महासागर से संबंधित है, यही सही है तीसरा। तो तीसरा उत्तर हमारा सही है, जबकि यह जो है गलत हो गए, उल्टा दे दिया है। तो उत्तर हमारा डी हो जाएगा, केवल तीन। आगे हम लोग बढ़े 83 में, एक तरफ साथियों हमें दिया है, थोड़ा मिलाने वाला है ये भी, तो इसका जो है विकल्प अगले पेज पर है, हम लोग देख लेंगे। पहले हम लोग अच्छे से मिला लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं। एक तरफ महासागरी गर्त या खाई दिया है, और दूसरी तरफ वो कहाँ पर अवस्थित है वो दिया है। तो इस तरह से हम लोग मिलाएं चलें। तो आप लोग को मालूम होगा साथियों, साउथ सैंडविच या अटलांटिक महासागर में है, ये हमें सबसे ज्यादा क्लियर है, इसको मिला दीजिए। साउथ सैंडविच अटलांटिक महासागर में। एक और है साथियों क्यूरिल, क्यूरिल कहाँ है, उत्तरी महासागर में। क्यूरिल कहाँ है, उत्तरी प्रशांत महासागर में। तो ये आ जाएगा एक पर। और ये डायामेंटिना, डायामेंटिना साथियों हिंद महासागर से संबंधित है, ये है। और एक बचा है कर्माडेक, ये आ जाएगा दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो इस हिसाब से साथियों तीन चार सीधे सीधे हैं, एक दो उल्टे हैं। तो चले हम लोग मिलाएं अगले पेज पर। तो यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, तीन चार सीधे सीधे हैं, एक दो उल्टे हैं, तो एक होगा, ए वाला विकल्प हमारा सही है। आगे चले हम लोग 84 में, देखते हैं क्या है साथियों हमारा प्रश्न। तो देखें 84 में क्या कह रहा है, त्रिवार्था के जलवायु, यानी साथियों त्रिवार्था ने जलवायु का जो वर्गीकरण दिया था उसके संबंध में कुछ कथन दिए हैं, कौन सा सही है उसी को बताना है, कौन सा सही है। तो साथियों हमें देखें, त्रिवार्था ने जो जलवायु को छह बड़े क्षेत्रों में बांटा था, छह बड़े क्षेत्रों में बांटा था, उसका जो है जो इंडिकेटर था, ए से लेकर ए बी सी डी ई एफ, एफ तक बांटा था। तो और जो बी था वह शुष्क से संबंधित था, यानी ड्राई से संबंधित था। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, तो यहाँ कह रहा है चार बड़े जलवायु क्षेत्रों में बांटा था, तो ये गलत हो जाएगा साथियों, क्योंकि छह में बांटा था, मैंने पहले बताया छह बड़े क्षेत्रों में बांटा था, उनका इंडिकेशन ए से लेकर एफ तक किया गया था, तो ये गलत हो गया। तो इसमें ए तथा सी तापमान पर आधारित है, जबकि बी और डी वर्षा पर आधारित है। साथियों केवल बी वर्षा पर आधारित है और बाकी सब तापमान पर आधारित है, तो बी शुष्कता से संबंधित है इसलिए वर्षा पर आधारित है, तो इसलिए ए भी गलत हो गया। तो 84 का हमारा साथियों यहाँ पर जो उत्तर होगा 84 का, कोई भी सही नहीं है। तो यहाँ पर कथन कौन सा सही है 84 का, तो 84 वाले में साथियों हमारा यानी उत्तर कौन सा हो जाएगा, कोई भी उत्तर सही नहीं है हमारा यहाँ पर। तो बहुत बढ़िया, डी वाला हमारा हो जाएगा, उत्तर नंबर डी। आगे देखते हैं हम लोग 85 में।
तो साथियों यहाँ पर आपको मराठा शासन से संबंधित कुछ शासकों के नाम दिया गया है पेशवा, तो उसके संबंधित जो है आपको बताना है क्रम, यानी उनके शासन काल के क्रम को बताना है। सबसे पहले किसने शासन किया, उसके बाद किसने किया, उसके बाद किसने किया। तो साथियों आप लोग यहाँ देखेंगे तो बालाजी विश्वनाथ, इन्होंने सबसे पहले, मतलब सबसे पहले नहीं, एक मतलब पेशवा जब से स्टार्ट हुआ था तो बालाजी विश्वनाथ आपको मिलेंगे। इसके बाद आपको मिलेंगे जो है बाजीराव प्रथम, यानी तीन पहले रहना चाहिए। तीन पहले कहाँ है, केवल यहीं पर है, तो यही उत्तर ही होगा, क्योंकि हमें मालूम है ये जो चार नाम दिए गए इनमें से बालाजी विश्वनाथ पहले नंबर पर आना चाहिए। तो तीन यानी पहले नंबर पर, केवल इसी में, सोचो केवल एक हमें मालूम था, तो यहाँ से हमने उत्तर को निकाल लिया, डी हो जाएगा। इसके बाद आएगा आपका बाजीराव प्रथम, फिर बाला राव, बाजीराव, फिर ये माधव राव प्रथम आ जाएगा, तो सी हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे चले हम लोग, अब देखते हैं 86 में, तो साथियों देखते हैं क्या है यहाँ पर 86 में। सूची मिलान वाला प्रश्न है, आजकल मिलान वाले प्रश्न और कथन कारण वाले प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं हर एक एग्जाम में, तो इसी स्कोप को देखते हुए ऐसे प्रश्न डाले गए हैं। समाचार पत्र है और दूसरे में क्या है, आरंभ करने वाले प्रकाशक हैं, तो उसी को मिलाना है, कौन से प्रकाशक, कौन से समाचार पत्र प्रकाशित किए। तो साथियों आप लोग को मालूम होगा, तो जो सबसे आपको ज्यादा क्लियर हो उसी को मिलाइए सबसे पहले, तो उसी को मिलाएंगे। तो कैसे मिलाएंगे देखिए, तो यहाँ हमें लीडर, लीडर किसकी है, लीडर समाचार पत्र किसने निकाला था, तो ये मदन मोहन मालवीय ने निकाला था, तो ये आ जाएगा मदन मोहन मालवीय पर। बॉम्बे क्रॉनिकल, बॉम्बे क्रॉनिकल साथियों ये फिरोज शाह मेहता, आप लोग देखते होंगे तारक मेहता का जो चश्मा आता है, ऐसे ट्रिक बता रहा हूं मैं, वो बॉम्बे में बनती है, तो मेहता बॉम्बे ऐसे जो है करके, तो आप लोग थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग जो केवल पहली बार पढ़ रहे होंगे वो भूले ना, इसलिए मैं इस तरह की हरकतें वाली कुछ बातें बता देता हूँ। और जो है इंडिपेंडेंट, ये लिखे हैं मोतीलाल नेहरू, और जस्टिस किसने लिखे हैं, टी एम नायर। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा उत्तर सेट हो रहा है, विकल्प नंबर ए। आगे चले हम लोग 87 में, देखते हैं क्या कह रहा है साथियों हमारा 87 वाले में। तो 87 वाला हम लोग जो पढ़ते हैं, तो इसमें कह रहा है कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर दीजिए। तो सहारा तथा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल के उदाहरण है, सहारा तथा थार उष्णकटिबंधीय मरुस्थल के उदाहरण है, जी ये बात सही कह रहा है, इसकी बातें बिल्कुल सत्य हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले पेज पर, देखते हैं इसका अगला क्या है, तो आप लोग को देखना होगा अगला, ये क्या कह रहा है, कह रहा है गोबी तथा पैटागोनियन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल के उदाहरण है। तो साथियों यहाँ दोनों के दोनों सही हैं, जो 87 होगा हमारा उसका उत्तर सी हो जाएगा, ये गोबी और पैटागोनियन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल के उदाहरण है। अब देखें हम लोग 88 में, यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि कथनों पर विचार करिए, और कथनों पर विचार करके हमें सही उत्तर, तो साथियों यहाँ सही पूछ रहा है गलत पूछ रहा है वो आप लोग पहले मार्किंग कर लिया करिए, नहीं तो आप लोग जो है कंफ्यूजन में आता हुआ गलत कर देंगे। तो कह रहा है साथियों पहला, क्रोमियम अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन दक्षिण अफ्रीका में होता है, क्रोमियम का सर्वाधिक उत्पादन दक्षिण अफ्रीका में होता है, ये बात सच है, दक्षिण अफ्रीका में ही होता है क्रोमियम अयस्क का उत्पादन, ये बात सत्य है पहला। और दूसरा कह रहा है साथियों ब्रोमीन का सर्वाधिक उत्पादन इसराइल में होता है, तो ये शायद गलत है, हाँ ये गलत है, ब्रोमीन का सर्वाधिक उत्पादन साथियों इसराइल में नहीं होता है, ये फैक्ट यहाँ पर गलत हो गया हमारा। तो अब जो ब्रोमीन का सर्वाधिक उत्पादन होता है वो किस देश में होता है, बात यहाँ पर ये आती है, तो साथियों ये यूएसए में होता है, अमेरिका में, तो इसराइल नहीं कहा होता है, यूएसए में, तो हमारा ए केवल सही होगा यहाँ 88 का ए में। आगे चले हम लोग 89 में, देखते हैं क्या है, तो यहाँ कह रहा है कौन सा सही सुमेलित है, तो सही को बताना है, तीन गलत हैं एक सही है उसी को बताना है। तो यहाँ पर देखें हमें, यहाँ हमें क्या लिखा है, ये डेलावेयर एक्वेडक्ट, ये कहाँ है, जापान में है, ये जापान में नहीं संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में है, तो ये गलत है, यूएसए में है ये,
डेलावेयर एक्वेडक्ट। तो ये तो गलत हो गया, लेकिन मैंने सही किया, क्या सही है? यूएसए। और ये दूसरा आपको दे दिया है बोलमेन टनल। बोलमेन टनल साथियों कहाँ है? स्वीडन में है, लेकिन ये आपको दे दिया जर्मनी, ये भी गलत है, ये स्वीडन में होना चाहिए, स्वीडन में। तो और एक दिया है गोथार्ड टनल। ये गोथार्ड टनल कहाँ है साथियों? स्विट्जरलैंड में है। तो यानी ये बातें बिल्कुल सही है इसकी, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये भी गलत, ये भी गलत, तो इसका मतलब जब ये उत्तर हमें मिल गया तो ये भी गलत होगा। सीकान टनल जो है फिनलैंड में नहीं है, यह जापान में है, यह जापान। तो याद रखिएगा इसको। आगे चले हम लोग 90 में। तो 90 में साथियों हम लोगों को क्या कह रहा है, आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए, विचार कर कर हमें बताइए। उसके बाद कह रहा है पहला, आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। तो साथियों ये बात सही है, दिल्ली का जो प्रगति मैदान है भारत मंडपम, वहीं पर किया गया था, ये बात सही है, आप लोगों ने देखा होगा। इस दौरान राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2023 का वितरण किया गया, जिसमें राज्यों की ए श्रेणी में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। तो साथियों यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर नहीं था, यहाँ पर जो बात किया गया है जो है एक उत्पाद वाले में, जो ये श्रेणी वाला है, ए श्रेणी में उत्तर प्रदेश को पहले स्थान पर नहीं मिला है। तो साथियों यहाँ पर सॉरी, हाँ उत्तर प्रदेश को ही मिला है, सॉरी मैं सोचा कह रहा है नहीं, तो ये उत्तर प्रदेश को ही मिला है। तो यहाँ पर 90 का जो हमारा है, यह जो है हमारा क्वेश्चन, ये उत्तर सी हो जाएगा, 90 का सी। तो चलते हम लोग आगे देखते हैं। 91 में साथियों हमसे कह रहा है, मैं यहाँ पर कह रहा है कौन सा सही है, फिर वही बात, चार जोड़े हैं, उन जोड़ों में से कौन सा युग्म सही है उसी को बताना है। तो एक तरफ हमें पुस्तक का नाम दिया है, दूसरी तरफ उसके लेखक के नाम है। तो पहला है जुगलबंदी, द बीजेपी बिफोर मोदी, यानी मोदी से पहले बीजेपी, उसके बारे में कुछ इसमें है। तो कह रहा है रवीश कुमार लिखे हैं। तो कुछ लोग सोचेंगे यार बीजेपी, जुगलबंदी, मोदी, रवीश कुमार ही हो सकता है, लेकिन नहीं साथियों, यह गलत है। यह लिखे हैं विनय सीतापति। तो विनय सीतापति लिखे हैं इसको, याद रखिएगा, रवीश कुमार नहीं लिखे हैं। इंदिरा गांधी, ट्राइस्ट विथ पावर, ये किसने लिखे हैं साथियों? नयन तारा सहगल। ये बात सही है, बी वाला एकदम सही है, नयन तारा सहगल, इंदिरा गांधी, ट्राइस्ट विथ पावर। तो ये सही है हमारा, तो यही उत्तर होगा बी वाला, और बाकी सब गलत है। यहाँ पर क्या है, हाफ लायन, हाउ पीवी नरसिम्हा राव ट्रांसफर्ड इंडिया। तो ये किसने लिखे हैं साथियों? यह जो है विनय सीतापति, इसको भी विनय सीतापति ने लिखा है, ये जो है यही लिखे हैं, संजय बारू नहीं लिखे हैं। और द इंडिया वे, स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। तो ये धर्मेंद्र प्रधान नहीं, जबकि यह जो विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद हैं वो लिखे हैं। आगे देखें हम लोग, तो 92 में हम लोग देखते हैं। तो साथियों इसमें कह रहा है आपसे, हाल ही में बिम्स्टेक का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? साथियों बिम्स्टेक जानते हैं आप लोग, यह बंगाल के खिला जो बंगाल खाड़ी के किनारे जो 5 देश हैं वो, और उसके साथ कुछ अन्य देश मिलकर जो है उनका एक संगठन है, तो उसी का ये बनाया गया है। तो इसमें कौन कौन से देश हैं? बंगाल के खाड़ी के पास वाले देशों के नाम जान लीजिए। तो यहाँ पर उसके नाम से आगे आप लोग समझ सकते हैं, इसमें नाम दिया गया है कि बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, ये 5 देश बंगाल खाड़ी के किनारे वाले हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर भूटान, म्यांमार और भी हैं। तो इस तरह से आप लोग इसको याद कर लीजिए। इसमें आपसे पूछ रहा है महासचिव नियुक्त किया गया है, किसे किया गया है वो आपसे पूछ रहा है, किसे जो है महासचिव नियुक्त किया गया है। तो भारत के हैं साथियों, इसको टाइटल देखकर आप लोग समझ जाएंगे, पांडे जी हैं, मणि, इंद्रमणि पांडे, विकल्प नंबर बी, यह जो है भारत के बनाए गए हैं चौथे महासचिव के रूप में। तो साथियों और अगर आपसे कभी पूछे बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी, तो जून 1997 को हुआ था।
आगे देखें 93 में, तो इसमें भी साथियों हमें मैचिंग वाले सवाल हैं। तो इसमें क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक इमारत दिया है और दूसरा स्थान, तो कौन सा उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक इमारत कहाँ पर है उसे बताना है। तो यहाँ पर देखें, जो एक चीज हमें क्लियर है, बौद्ध स्तूप कहाँ है, ये कुशीनगर में है, ये कुशीनगर में है बौद्ध स्तूप। और 84 गुंबद जालौन में है, तो ये आला जाएगा यहाँ पर। जामा मस्जिद कहाँ है साथियों, मुरादाबाद में है। और एक बचा है हमारा कादमगिरी पर्वत, यह चित्रकूट में है। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा सेट तैयार हो रहा है, आप लोग देखेंगे बताएं। ए वाला हमारा 4 पे आना चाहिए, यानी ये इसमें होगा या तो इसमें होगा। अब क्लियर हो गया ये उत्तर नहीं होगा, ऐसे आप लोग काट कर सॉल्व करेंगे सही रहेगा। और बी वाला हमारा 3 पर जाना चाहिए, तो बी वाला 3 पर, इसका मतलब उत्तर ये होगा, सी वाला। आगे बढ़ें, 94 में देखते हैं क्या है। देखें 94 वाले में साथियों क्या पूछा जा रहा है हमसे, कौन सा युग्म सही नहीं है। तो साथियों अस्थाई बंदोबस्त ये बंगाल बिहार जैसे इन सभी क्षेत्रों में लागू हुआ था, 19% क्षेत्र पर, बंगाल बिहार उड़ीसा 19% क्षेत्र पर लागू हुआ था। कभी काल आपसे ये पूछ लेता है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त ये भी जो है सबसे ज्यादा यानी 51% क्षेत्रों पर लागू हुआ था, ये भी जो है मद्रास वगैरह ये और ये क्षेत्रों में, मुंबई पूर्वी बंगाल असम, ये भी सही है। महालवाड़ी व्यवस्था, तो ये भी जो है संयुक्त प्रांत, हाँ उत्तर प्रदेश वगैरह जैसे क्षेत्रों में ये भी लागू हुआ था। अस्थाई बंदोबस्त ये कुर्ग में नहीं हुआ था, ये गलत हो गया, तो डी यही गलत है आपका। ये तीनों सही है, तो चौथा स्वाभाविक सी बात है गलत ही होगा। तो 95 में साथियों क्या कह रहा है आपसे, तो 95 में भी हमारा जो है ये मैचिंग वाले सवाल हैं। एक तरफ हमें दे दिया है साथियों लोकगीत, और दूसरी तरफ जो है वो दिया है गायन के अवसर, कौन सा लोकगीत कब गाया जाता है उसके बारे में। तो साथियों यहाँ पर एक तरह का जो है हमें रसिया, रसिया समझ रहे हैं आप लोग, इसको देखकर आप लोग पहचान जाएगा हाँ यह ब्रज क्षेत्र से संबंधित है रसिया, ये लोकगीत यहाँ पर है। और दूसरा हमारा चैती जो गीत होती है साथियों, फसल कटाई गेहूं की होती है हमारे यूपी बिहार जैसे क्षेत्रों में, तो यहाँ पर ये गाया जाता है चैती चैता, एक तरह का ये मौसमी गीत होती है। और कजरी भी एक तरह का विवाह और मौसमी गीत होती है, जो खास करके मिर्जापुर उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्रों में होती है, तो यहाँ चला आएगा। और सोहर एक संस्कार गीत है बच्चों के पैदा वैदा होने पर, खास करके हमारा जो पुरुष प्रधान देश है, जब किसी को बेटा होता है तो आप लोग वहाँ जरूर सुनते होंगे, बेटे भी सुनते होंगे लेकिन ये कम मिलता है वहाँ पर। तो ऐसा मतलब पुरुष प्रधान सोच जिसकी होती है उसके यहाँ, बाकी तो हर जगह होता है। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा सेट तैयार हो रहा है, ए 4 पर जाएगा, बी 3 पर और सी 2 पर, तो इस हिसाब से हमारा ये और डी 1 पर। आगे बढ़े 96 में, तो कौन सा कथन असत्य है, असत्य बताना है। भारत में प्रथम रेल लाइन निर्माण डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था, ये बात सच है साथियों, ये इसमें कोई डाउट नहीं, डलहौजी के शासनकाल में ही हुआ था और ये बात सत्य है। अगला पेज पर हम लोग देखते हैं वो क्या कह रहा है। तो ये हमें असत्य को बताना है, तो लॉर्ड रीडिंग के समय भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई, साथियों गलत है यही, लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में नहीं, लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में, लॉर्ड हार्डिंग जो द्वितीय था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था जब वो जो है दिल्ली दरबार लगाने आया था 1911 में, उस समय ये बंगाल विभाजन को रद्द करने घोषणा किया था और दिल्ली की ये राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई थी, यानी इसी समय राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई थी, तो यही गलत है, बाकी सब सही है, उसको पढ़ लीजिएगा आप। आगे देखें 97 में क्या है, 1904 में किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना विनायक दामोदर दास सावरकर ने की थी। तो साथियों अभिनव भारत समाज, विकल्प नंबर ए यही
जो है ये थे विकल्प नंबर, इसका नाम पहले मित्र करके था कुछ, तो बाद में इसका जो है अभिनव भारत समाज कर दिया। तो आगे अब हम लोग हम पढ़े, आगे देखते हैं क्या है। मित्र मेला था आगे, इसका पुराना नाम मित्र मेला था, लेकिन बाद में इसका 1904 में जो है इसको मॉडिफाइड कर दिया गया। आगे देखते हैं 98 में साथियों कह रहा है, महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की? तो साथियों कब किया होगा ये जो छुआ छूत ये था उसके विरोध में, उसको खत्म करने के लिए यह गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किए थे गांधी जी ने, तो यानी छुआछूत विरोधी का ये एक संदेश था इसमें, तो 1932 में 99 में। एक जिला एक उत्पाद के संबंध में ये कौन सा कथन सही नहीं है? आप लोगों को मालूम है उत्तर प्रदेश में 2018 में एक जिला एक उत्पाद की घोषणा किया गया उत्तर प्रदेश के दिवस के अवसर पर, यानी एक जिला को अपने यहाँ की लोकल चीजों को प्रतिस्पर्धी बनाना है पूरे इंडिया लेवल पर। तो अमेठी में साथियों क्या है, यहाँ जो अमेठी में दिया है तो अमेठी भी किसके लिए है? तो अमेठी मंजू उत्पादन के लिए, ये हो गया विकल्प, ये तो पहला वाला तो ये सही है, अमेठी मंजू उत्पादन के लिए है। और बागपत सोच रहा होगा कि बाग और लकड़ी तो लड़के लगा देंगे, हाँ ये सही है, लेकिन गलत है। बागपत साथियों लकड़ी के खिलौने नहीं, बल्कि साथियों ये जो है लकड़ी के खिलौने चित्रकूट से संबंधित हैं, इसको याद रखिएगा, ये चित्रकूट जो जिला है उससे संबंधित है, और जो है ये घरेलू सजावटी सामान है। बागपत में क्या होगा तब, ये घरेलू सजावटी सामान जो होते हैं उसका है, तो यही गलत हो गया हमारा, तो यही उत्तर भी होगा विकल्प नंबर बी, और बाकी सब सही हैं अपनी अपनी जगह पर। आगे देखें हम लोग 100 में, तो साथियों पीएच मान से संबंधित सवाल है। पीएच मान से संबंधित सवाल क्या है, आप लोग को मालूम है पीएच मान क्या होता है? हम किसी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारिकता को इंडिकेट करने के लिए होता है। अगर उस पदार्थ की जो है पीएच मान जो है 7 से अधिक है बताया जाता है वो क्षारी है यानी बेसिक, 7 से कम है तो यानी वो अम्लीय है एसिडिक है, अगर 7 है इसका मतलब वो न्यूट्रल है, तो ये चीज आपको मालूम होना चाहिए, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। तो इसका जो खोज किए थे तो एक रसायन विज्ञान जो है क्या नाम था उनका, सोरेन सेन विकसित ने किया था, ये सही है। और मनुष्य का रक्त जो होता है साथियों, मनुष्य का रक्त जो है सच्चा होता है, बाकी सब झूठा होता है, तो सच्चा से 7-4 याद कर लीजिएगा, यानी इसी के बीच दिया है तो ये सही है। अम्लीय वर्षा पीएच मान 5 से अधिक होता है, तो साथियों 5 से अधिक नहीं, 5 या 5 से कम होता है, तो याद रख लीजिएगा, तो ये तीसरा गलत हो गया, केवल 1-2 हमारा सही है। 101 में साथियों क्या दिया है हमें, 101 में दो सूची दिया है, एक सूची में कुछ रचनाएं हैं और दूसरी सूची में वो किससे संबंधित है वो दिया है। तो साथियों यहाँ हमें जो दिया है एक चीज हमें याद है, यहाँ मड़ी वड़ी दोनों का एक टोन सेम आ रहा है, मड़ी वड़ी तो मड़ी मेखले साथियों, वड़ी कथा से यानी बिजनेस से संबंधित है ये तो इसे हो गया, और तिरुकुल दर्शन से यानी फिलोसफी से संबंधित है ये यहाँ से हो गया, और तोलकाप्पियम एक तरह से ये व्याकरण से संबंधित है, और शिलप्पादिकारम एक प्रेम कथा है, तो इस हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा, तो हमारा कौन सा बन रहा है, तो ए हमारा जो है 2 पर, बी 4 पर, ए 2 पर बी 4 पर, ये वाला यही बन रहा है डी वाला उत्तर। 102 में क्या है, 102 में साथियों हमसे कह रहा है दो सूची इसमें भी दिया है, बहुत मिलान वाले प्रश्न साथियों बहुत बढ़िया होते हैं, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो उत्तर अपने आप निकल आएगा। तो यहाँ पर क्या है, हड़प्पा संस्कृति दूसरे विकल्प में सूची में है, किस नदी पर कौन सी हड़प्पा बस्ती है उसे बताना है। तो साथियों
लोथल जो संस्कृति थी, हड़प्पा संस्कृति, यह भोगवा नदी के तट पर थी। तो ये कहाँ थी? भोगवा नदी के तट पर, ये हो गया। और हड़प्पा रावी नदी के तट पर, ये हो गया हमारा। अब देखो हमारा 2 से काम बन जा रहा है, A 3 पर आना चाहिए और C 1 पर। तो ऐसा दो दो में है, केवल इसमें है, इसमें है, यानी ये उत्तर अब नहीं हो सकते, सी डी। अब हमें ए या बी में से कोई है, उसी में हमें अब थोड़ा सा एक और दिमाग लगाना पड़ेगा, हो सकता है कोई मिल जाए। रोपड़ जो है सतलज नदी से संबंधित है, ये सतलज यानी D 4 पर आ जाएगा। तो इसका मतलब उत्तर ए होगा हमारा, ए। आगे बढ़ें, 103 में क्या है साथियों? कह रहा है किस गैस की प्रतिशत मात्रा आयतन में वायुमंडल में सबसे कम है। तो ये हुए 4 गैसों में साथियों, आपको मालूम है नाइट्रोजन की सबसे अधिक होती है, 78% के आसपास इतना होती है। तो उसके बाद और जो होती है हमारी, ये 20% के ये ऑक्सीजन होती है, फिर आर्गन, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये कम होती है, सबसे कम इसमें यही है CO2। आगे बढ़ें, कुछ लोग कंफ्यूजन होंगे, आर्गन आर्गन नहीं है। ये देखें 104 में क्या है, कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथनों को हमें पहचानना है साथियों। तो पहला है पेट्रोल ईंधन की गुणवत्ता को, पेट्रोल ईंधन जो होता है पेट्रोल फ्यूल, उसकी गुणवत्ता को ऑक्टेन संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो उसकी गुणवत्ता को साथियों ऑक्टेन संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है, ये बात सही है। जिस पेट्रोल की ऑक्टेन संख्या जितनी होगी वो उतना अच्छा होगा। इसका मतलब क्या होता है, जिसकी ऑक्टेन संख्या ज्यादा होगी ना, वो पेट्रोल उतना ज्यादा जो है कंप्रेशन सहन करेगा। यानी जैसे एक पिस्टन है, तो पेट्रोल जो है पिस्टन को, अगर उसकी ऑक्टेन संख्या कम रहेगी, थोड़ा सा दाब अगर देगा पिस्टन तभी जल जाएगा। अगर ऑक्टेन संख्या ज्यादा रहेगी तो पिस्टन का दबाव खूब ज्यादा झेलेगा, यानी यहाँ पिस्टन पहुंचेगा तब जलेगा, तो यही होता है। तो उसी तरह डीजल ईंधन की गुणवत्ता को सीटेन, ये सीनेट संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर सी वाला हमारा सही है, दोनों यही उत्तर होगा। 105वां देखते हैं, हाल ही में किस दुनिया में सबसे बड़ा सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। तो मेरे भाई UAE, संयुक्त अरब अमीरात में। 106 में देखते हैं, तो 106 में साथियों हमसे क्या कह रहा है, कौन सा सीमेंट का प्रमुख घटक है। तो सीमेंट का कौन सा प्रमुख घटक है इसे हमें बताना है, सीमेंट में क्या क्या होता है। तो साथियों सीमेंट कैल्शियम ऑक्साइड भी होता है, ये भी बात सही है, सिलिकन ऑक्साइड भी होता है, सिलिका, और एलुमिना भी होता है, और जिप्सम भी होता है, इसलिए कि जल्दी से जमे न, ये नहीं तुरंत ही जम जाए, तो उसे तुरंत न जमे, इसलिए जिप्सम भी होता है। तो यानी सभी डी हो जाएगा उत्तर। 107 में क्या है साथियों, मिलने वाला प्रश्न है, देखें अब मिला लेते हैं हम तुरंत, तो कोई दिक्कत नहीं, आचार्य हो जाएगा। और दूसरी तरफ उनका सिद्धांत क्या है, किस आचार्य का क्या सिद्धांत है, वही बताना है हमें। तो एक चीज हमें क्लियर है बहुत अच्छे से, नागार्जुन, इन्होंने शून्यवाद दिया है, नागार्जुन शून्यवाद दिया है, भद्रबाहु ने जैन से संबंधित सिद्धांत दिया है, और बी वाला 2 पर गया, सी वाला 4 पर, बी वाला 2 पर, सी वाला 4 पर, यानी उत्तर हमारा ए हो जाएगा। इससे हम उत्तर निकाल लिए 2 ही से, और दूसरा हमारा डी वाला 1 पर चला जाएगा, गोसाल यहाँ चला आएगा, लकुलिश ये पाशुपत पे। तो इस हिसाब से हमारा ए बन रहा है, 7 का ए जो है। तो आगे बढ़ें, 108 में देखते हैं साथियों क्या है हमारा। तो कह रहा है कौन सा स्तनधारी है, कौन सा स्तनधारी है साथियों, यहाँ समुद्री घोड़ा दिया है और समुद्री सिंह दिया है। तो ये आप लोग जान लीजिए, स्तनधारी समुद्री सिंह हो गया, समुद्री गाय हो गई, ये सब स्तनधारी होती हैं। तो ये केवल इसमें समुद्री सिंह है, तो यानी 2 यही स्तनधारी है, या समुद्री घोड़ा जो है ये कशेरुकी है, मछली होती है, तो ए नहीं होगा। तो हमारा बी केवल उत्तर हो गया। 109 में साथियों कह रहा है कौन सा इसके अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है, तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 में दिया है, पढ़े होंगे बहुत अच्छे से पहले ही है। संघ
यानी केंद्र से संबंधित जो दिया है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, जो केंद्र की चीजें हैं 5 में, और वही टाइप की चीजें जो राज्य में है वो 6 में दिए गए हैं। संघ राज्य क्षेत्र ये भाग 7 में नहीं बल्कि भाग 8 में है, तो यही वाला हमारा उत्तर होगा। तो साथियों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। देखिए इसमें क्या कर रहा है, आपको एक तरफ राज्य दिया है कुछ राज्यों के नाम, और दूसरी तरफ उन राज्यों में कितनी लोकसभा की सीटें हैं वो दिया है। तो इसी को साथियों मिला देना हमें, मिलाकर अगले पेज पर इसका जो है विकल्प है उसमें हमें देख लेना है कौन सा सेट बन रहा है। तो कर्नाटक साथियों, कर्नाटक में 28 सीटें हैं लोकसभा की, एकदम यहां पर आ जाएगा ये चौथे पर, और केरल में 20 है, और ओडिशा में साथियों, ओडिशा में 21 सीटें हैं और तेलंगाना में 17 सीटें हैं। तो साथियों बी सी सीधा है और ए और डी जस्ट उल्टे हैं। तो देखते हैं हम अगले पेज पर क्या हमारा बन रहा है विकल्प में। तो विकल्प में साथियों हमारा विकल्प नंबर ए बी सेट तैयार हो रहा है, विकल्प नंबर बी हमारा उत्तर होगा। आगे चले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111 क्या करा है। इसमें करा है पारिस्थितिकी तंत्र में, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है। तो साथियों तत्वों के चक्रण को ये जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है, विकल्प नंबर बी हो जाएगा हमारा ये विकल्प नंबर बी, क्योंकि साथियों इसमें अजैविक तत्वों का जैविक मतलब रूप में परिवर्तन और जैविक से अजैविक रूप में परिवर्तन फिर से होता है, तो इसी को जो है ये हम लोग जैव भू रासायनिक चक्र बोलते हैं। आगे देखें हम लोग देखें 12वें में 112 में, इसमें कह रहा है पंचायती राज से संबंधित, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों तथा उसके वर्ष का कौन सा सुमेलित नहीं है। तो साथियों इसमें आपको बताना, एक तरफ पंचायती राज से संबंधित समिति दिया है इधर, और इधर उसका वर्ष दिया है, कौन सा मतलब मिसमैच है उसे बताना है। तो साथियों आप लोगों ने पढ़ा होगा अच्छे से, पंचायती राज से संबंधित जो प्रमुख जो समितियां हैं, तो अशोक मेहता समिति साथियों ये यहाँ पर पहले ही गड़बड़ है, यही गलत है हमारा, क्योंकि ये 75 में नहीं साथियों, ये 1977 में आई थी, ये हमारा 1977 हो जाएगा, 75 नहीं होगा, तो यही गड़बड़ है और बाकी सब सही है। ये जो जी वी के राव समिति 85 में, सिंघवी एल एम सिंघवी समिति 86 में, और पी के थुंगन समिति 1988 में, ये हो जाएगा हमारा। चले हम लोग आगे देखते हैं 113 में, देखें 113 में हमसे क्या पूछ रहा है कि निर्यात तैयारी सूचकांक ईपीआई 2022 के संदर्भ में कुछ कथन दिया है, दो कथन, तो उन्हीं कथनों को पढ़कर हमें सही उत्तर देना है। तो नीति आयोग द्वारा यह सूचकांक 17 जुलाई 2023 को जो है जारी किया गया, यस बिल्कुल सही, और कह रहा है गुजरात तीसरे साल लगातार इस सूचकांक में शीर्ष पर है। साथियों गुजरात नहीं, यह हमें गलत दे दिया है, यहाँ पर जो तमिलनाडु पहले स्थान पर है, तमिलनाडु हम लिख दिए हैं इसे शॉर्ट में, तो तमिलनाडु हो जाएगा पहले स्थान पर है, तो गुजरात पहले स्थान पर नहीं है, और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे पर कर्नाटक, तो यहाँ पर हमारा केवल एक सही हो जाएगा ये वाला। आगे देखें 14 में क्या कह रहा है, राज्य लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है। तो साथियों जैसे संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी जो होती है वो अपना जो है प्रतिवेदन जो है वार्षिक प्रतिवेदन जो है राष्ट्रपति को सौंपती है, तो उसी प्रकार साथियों यह जो है राज्य लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन जो है वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है, विकल्प नंबर सी हो जाएगा, सिंपल सा सवाल है। 15 में देखते हैं, कह रहा है जैव विविधता के संदर्भ में, किसके संदर्भ में, जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट शब्द माना जाता है। तो साथियों आप लोगों को मालूम होगा एक प्रचलित क्वेश्चन पूछा जाता है हॉटस्पॉट शब्द किसने दिया था, तो नॉर्मन मायर्स ने, नॉर्मन मायर्स, तो इसको याद रखिएगा, ये काम देगा कहीं आपको, नॉर्मन मायर्स ने हॉटस्पॉट शब्द दिया था। तो हॉटस्पॉट शब्द होता क्या है कि जैसे वो जैव विविधता से लैस कोई क्षेत्र होता है,
लेकिन वहां पर उसके अस्तित्व पर खतरा मंडराता रहता है। तो ये होती है यहाँ, मतलब कह सकते हैं वहां जीवों की प्रजातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन वहां पर उनके अस्तित्व पर खतरा मंडराता है, तो यही हॉटस्पॉट कहा जाता है। तो हॉटस्पॉट जैसे पश्चिमी घाट और जो है पूर्वी हिमालय, अंडमान निकोबार, ये सब होते हैं। तो यहाँ ये सब तो नहीं होगा, यही होगा हॉटस्पॉट सब अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आगे देखें हम लोग 116 में, 116 में साथियों इसमें क्या कह रहा है, खूब ढेर सारा लिखा है लेकिन इसको देखकर घबराइएगा नहीं। ये आपसे ये कह रहा है कि डीपीएसबी यानी राज्य के नीति निदेशक तत्वों में यह प्रावधान है। क्या प्रावधान है? राज्य आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, यानी सरकार इनकम में जो डिफरेंस है, कोई यानी खा के मर रहा है, कोई खाने के लिए मर रहा है, जो इतना गैप है इसको कम करेगी। तो यह किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था, यही आपसे पूछ रहा है। तो साथियों ये जो कम किया गया था, तो पहले आपको बता दें ये जो है व्यक्ति और संस्था दोनों पर लागू है। कोई किसी व्यक्ति के बीच असमानताओं को कम करना और संगठन या संस्था के बीच असमानताओं को कम करने की बात करता है। तो ये हमारा जो 116 वाला है, यह 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किया गया था। 17 में देखते हैं क्या है, 17 में साथियों हमसे पूछ रहा है जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना का लोकार्पित की गई है, कब की गई थी? तो साथियों यह 2008 में की गई थी। जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो खतरा हो रहा है आने वाले हैं उससे निपटने के लिए यह राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू हो गई थी, 117 का हो गया। आगे देखें हम लोग 118 में, इसमें आपसे पूछ रहा है भारत के संविधान के उपबंधों के तहत कथनों में से कौन सा सही है। तो यानी हमें सही कथन पकड़ना है, एक ये है एक ये, इन्हीं दोनों को पढ़कर सही उत्तर दे देना है विकल्प में। तो हमें क्या करना है, कह रहा है प्रत्येक उच्च न्यायालय अपनी अधिकारिता वाले राज्य में मूल अधिकारों को प्रवर्तन कराने या किसी अन्य प्रयोजन के लिए अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। आप लोग को मालूम है साथियों, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, ये लोग जो है ये रिट जारी करती हैं। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो मूल अधिकार से केवल रिलेटेड जो है रिट जारी करती है, किसी के अगर मूल अधिकार का हनन हुआ है, और जो राज हाई कोर्ट होती है वह अन्य मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य रिट भी जारी करती है। इसीलिए कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट से ये इसका क्षेत्र ज्यादा होता है हाई कोर्ट का। तो ये तो सही बात है, अगर सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है तो अनुच्छेद 32 के तहत करता है साथियों, उसको भी याद रखिएगा। और ये तो सही है हमारा। दूसरा कह रहा है अनुच्छेद 226 के अधीन कार्यवाहियों में उच्च न्यायालय द्वारा केंद्रीय विधियों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाएगा। तो साथियों किया जाएगा, तो पहले ऐसा था जो है 43वां संविधान संशोधन के माध्यम से नहीं किया जाता था, फिर ऐसा प्रावधान हुआ कि हाँ 226 के अधीन कार्यवाहियों में उच्च न्यायालय केंद्रीय विधियों की संवैधानिक वैधता पर विचार कर सकता है। तो ये गलत हो गया, तो केवल हमारा दो सही है, सॉरी ये दो नहीं केवल एक सही है। आगे देखें हम लोग 11 में, 19 में, 119 संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन। देखिए इतना सारा लिखा है तो लिखने में बच्चे जो है उनको लगता है कि ये क्या लिखा है, थोड़ा कठिन भाषा में लिखता है। तो यही आपसे कह रहा है, इतना मैं शॉर्टकट में बता दूं, आपसे यही कह रहा है कि जब संघ है यानी केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार को दिशा निर्देश देती है, कोई गाइडलाइन देती है, और राज्य सरकार उसका पालन नहीं करती है या पालन करने में फेल होती है, तो जो है वह केंद्र सरकार राज्य मतलब उस राज्य सरकार का जो है वहां पर उसको राष्ट्रपति शासन लगा देता है। तो कह रहा है वही किस अनुच्छेद के तहत लगाता है, तो अनुच्छेद हो जाएगा 356 के तहत। तो यही हो जाएगा हमारा, यही कि यह क्यों लगाया जाता है 356, कि वह विधियों का पालन नहीं कर रही है राज्य सरकार, केंद्र के दिशा निर्देश को फॉलो नहीं कर रही है इसलिए। आगे देखें 120 में क्या है, 120 में कुछ घटनाएं दिया है भाई, इन घटनाओं को हमें ऑर्डर में सेट करना है, कौन सा पहले हुई उसके बाद कौन सा हुई इसको बाद। थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 से संबंधित है, 1972 से। जैव विविधता अधिनियम 2002 से संबंधित है, ये 2002 से। प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 से संबंधित है ये, और एलिफेंट जो है 1992 से संबंधित है। तो ये मैंने चारों डेट आपको लिख दिया, तो इस हिसाब से आप देख रहे होंगे सबसे लास्ट में कौन हो रहा है यहाँ। तो सबसे लास्ट में यही जैव विविधता वाला हो रहा है, 2002 में हो रहा है, और बाकी सब 1900 में ही है। तो यानी दो वाला सबसे अंत में होना चाहिए, शॉर्टकट में आप यही समझ लीजिए। तो दो वाला सबसे अंत में कहाँ है, इसी में है और कहीं नहीं है। तो बस आप इतना केवल पकड़ ले रहे हैं, हाँ यही सबसे अंत में होगा। अगर आपको अन्य सारे याद नहीं आ रहे हैं ठीक से तो भी आप कर ले जाएंगे, यानी यही उत्तर होगा हमारा विकल्प बी, सबसे पहले 1 3 4 2। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121, इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है साथियों, उस अनुच्छेद का नाम बताना है आपको जिसमें यह कहा गया है कि संघ सरकार यानी केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करे, उसको बढ़ाए, उसका विकास करे। तो यही इसके कहने का मतलब है। तो साथियों ये है अनुच्छेद 351, विकल्प नंबर डी हो जाएगा हमारा, यही उत्तर होगा। कुछ लोग कंफ्यूज होंगे यहाँ अनुच्छेद 350 ख, तो 350 ख यानी 350 B है। ये कहता है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी, इसकी बात करता है हमारा। तो चले हम लोग आगे देखते हैं क्या है। और ये 350 350 का तो है, ये है मातृभाषा में, जैसे होता है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा देना। तो ये फिलहाल विकल्प डी हमारा उत्तर है। 122 में देखें हम लोग क्या है, देखते हैं मैचिंग वाले सवाल, बहुत बढ़िया। तो एक तरफ हमें सूची एक सूची दो दिया है, तो उसी को हमें मिलाकर विकल्प में अपना सेट को बना देना है। तो साथियों अब हमें देखना है कि हमारा कौन सा सेट तैयार हो रहा है। साथियों तो दाचीगाम वन्य जीव अभ्यारण्य, दाचीगाम वन्य जीव अभ्यारण्य साथियों, ये मान लीजिए हमें क्लियर अभी नहीं हो रहा है, तो हम दूसरा देख लें जो हमें सबसे ज्यादा क्लियर हो। तो कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में, इसको हम लोग मिला लेते हैं। केवला देव घाना पंछी अभ्यारण, ये साथियों है राजस्थान में है, ये राजस्थान में हो जाएगा। पेरियार, आप पेरियार नदी और पेरियार क्षेत्र, ऐसे पेरियार नाम ज्यादा आए तो आप ये अनुमान लगा लीजिएगा ये केरल में ही होगा। अब हमारा जो है, जो हमें पहला क्लियर नहीं हो रहा था, दाची गांव वन जीव अभयारण्य, ये जम्मू कश्मीर में है। हमें पता लग गया कि यही एक ही बचा है, ये यहीं पर जाएगा। तो कौन सा सेट हमारा बन रहा है, ए वाला 4 पर गया, बी वाला 2 पर गया, सी वाला 1, डी वाला 3 पर। तो यही उत्तर होगा ए हमारा। 23 में हमारा क्या है, 23 में साथियों हमसे कह रहा है कि राज्य विधान परिषदों के सृजन या समाप्ति, यानी राज्य विधान परिषद बनाना हो या उसे खत्म करना हो, तो उसके संबंध में कुछ विचार दिए हैं। तो आप लोगों को मालूम होगा राज्य विधान परिषद केवल जो है इस समय 6 राज्यों में है। तो आप लोग कमेंट बताइए वो कौन कौन से राज्य हैं, तो बताइएगा जरा। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, यूपी बिहार महाराष्ट्र, 3 बता दिया हूँ, 3 आप बताइए जो है। तो आगे देखते हैं हम लोग इसमें क्या है, कथनों पर विचार करना है। 3 कथन है, 3 कथनों में से जो पढ़कर हमें सही उत्तर देना है। तो संसद विधि बनाकर राज्य विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति कर सकती है। जी बिल्कुल, क्योंकि ऐसा ही 169 अनुच्छेद 169 में हमें कहा गया है कि जो है संसद चाहे तो विधान परिषद किसी राज्य में बना सकती है या उसे खत्म कर सकती है। ये सही है, किसी राज्य में विधान परिषद सृजन या समाप्ति के लिए राज्य विधान प्रस्ताव पारित करना आवश्यक नहीं। साथियों आवश्यक होता है उस राज्य विधान परिषद की, उस राज्य विधान परिषद के लिए उस राज्य की विधानसभा में 2/3 बहुमत से पारित कराना पड़ता है। तो ये हमारा गलत हो गया, दो यानी दो विकल्प नहीं रहना चाहिए, ये नहीं रहना चाहिए, ये नहीं रहना चाहिए, ये। तो सोचो केवल हमें अगर दो वाला मालूम रहता कि हाँ राज्य विधान सभा में पारित करवाना पड़ता है और बाकी हमें नहीं आता रहता, तो भी हम उत्तर निकाल ले जाते एलिमिनेशन करके। तो यानी तीसरा भी अब हमारा सही है, ये 368 के संबंध में संविधान संशोधन नहीं माना जाता है, नहीं होता है। आगे देखें 24 में, तो 24 में हमें क्या बताना पूछ रहा है, फाइड या फाइडी, फाइड शतरंज, फाइड शतरंज विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है। तो साथियों ये किसने जीता है इसका खिताब जो है, तो यहाँ पर साथियों अजरबैजान में तो हुआ था फाइड शतरंज विश्व कप 2023 का,
अजरबैजान में हुआ था 30 जुलाई को। तो विजेता इसमें साथियों मैग्नस कार्लसन है, नॉर्वे के, ये नॉर्वे के हैं, याद रखिएगा इसे। और ये जो रमेश बाबू आपको दिया है प्रज्ञान प्रज्ञानानंद, तो ये उपविजेता है, यानी ये दूसरे मतलब उपविजेता रहे, फाइनल में हार गए। आगे देखें हम लोग 125 में, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती। तो साथियों अगर आप लोग भारत का मैप देखोगे तो भारत के मैप में आपको साफ झलक जाएगा कि ऊपर से आओगे देखोगे कि जो है अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, ये सब जो है म्यांमार से सटे हुए हैं, और देखे हुए यहाँ, और बाकी और सब जो है इधर मेघालय तो सटा हुआ है, त्रिपुरा बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा है, मिजोरम भी थोड़ा सा सटा ही हुआ है। तो यहाँ पर आपको मणिपुर जो है ये बांग्लादेश से सीमा साझा नहीं करता है, अभी मणिपुर चर्चा में था इसलिए ऐसा दे दिया। तो विकल्प सी हमारा उत्तर होगा। 126 में कह रहा है कौन सा कथन सही है लोकसभा के संदर्भ में। तो पहला पढ़ोगे लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे, तो मावलंकर नाम से ही ये प्रसिद्ध है, इनको ज्यादातर यही नाम से बुलाया जाता है, ये सही है। तो दूसरा कह रहा है लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित हैं, तो साथियों नहीं, मीरा कुमार हैं साथियों, आप लोग इसमें गलत दे दिया, मीरा कुमार, तो ये विजय लक्ष्मी पंडित नहीं है, तो यही गलत हो गया और यही आपका उत्तर होगा क्योंकि गलत हमसे पूछा है, नहीं सॉरी सही पूछा है, सॉरी मैंने गलती कर दिया, तो आपसे सही पूछा है तो सही एक हो जाएगा क्योंकि यही क्लियर था हमें, यही उत्तर होगा। और ये गलत था, गलत क्यों था वो मैंने बता दिया आपको। और लोकसभा के प्रथम जनजातीय अध्यक्ष MG बाल योगी थे, ये भी वाला सही है। तो साथियों यहाँ पर यानी दो वाला हमारा गलत है और एक और तीन सही है, तो विकल्प में हमारा कौन सा सेट तैयार होना चाहिए साथियों, विकल्प में हमारा कौन सा सेट तैयार होना चाहिए। ये साथियों ये भी हमारा गलत है, ये लोकसभा के प्रथम जनजातीय अध्यक्ष GM बाल योगी नहीं थे, ये साथियों उनका नाम था संगमा करके टाइटल था, TA संगमा, संगमा करके था, सॉरी मैंने गलती कर दिया, तो ये भी गलत है, केवल एक सही है। तो विकल्प में हम लोग देखते हैं यहाँ पर केवल एक ये वाला सही है। आप हम लोग 32 में देखते हैं, 132 में, तो इसमें आपसे कह रहा है परीक्षण कीजिए, खुद कथनों का जो कथन दिया है उसका सही से परीक्षण कीजिए और सही से उत्तर दीजिए। तो पहला क्या कह रहा है, देवप्रयाग अलकनंदा एवं देवप्रयाग जो है वो अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है, तो इसको मैं थोड़ा सा मार्किंग करके दिखाऊं। कह रहा है जो देवप्रयाग है वो अलकनंदा भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है, तो सही कह रहा है, बिल्कुल सही। और क्योंकि इसका एक ट्रिक होता है जो है ये दाब, DAB दाब, तो डी से देवप्रयाग, ए से अलकनंदा, बी से भागीरथी, तो ये हो जाता है। ये दूसरा क्या कह रहा है, रुद्रप्रयाग जो है वो अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है, ये भी सही है। इसका भी एक ट्रिक होता है राम, सॉरी ये राम, आर से रुद्रप्रयाग, ए से अलकनंदा, एम से मंदाकिनी, तो ये भी याद रख लीजिएगा। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है, ये भी सही है साथियों, तीनों सही हैं। केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में जानी जाती है, तो साथियों ये गलत हो गया हमारा, ये जो चौथी वाली आपसे बात कर रही है ये गलत है, क्योंकि साथियों आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित जो चार पीठों में से एक बद्रीनाथ में स्थापित किया गया है, केदारनाथ में नहीं, तो यहाँ बद्रीनाथ में बी लिख दे रहा हूं, तो ये चौथा आपका गलत हो गया। तो यानी विकल्प में चार नहीं रहना चाहिए, सोचो अगर केवल आपको ये मालूम रहता कि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ बद्रीनाथ में है, केदारनाथ में नहीं है, तो भी आप एलिमिनेशन से लगा ले जाते, तो फिलहाल उत्तर हमारा ए होगा। आगे बढ़े हम लोग 33 में, तो ये देखते हैं हम लोग किसी राज्य में किसी प्रादेशिक क्षेत्र को नगर पालिका क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया जाता है।
तो साथियों यह सूचित किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। विकल्प नंबर सी हो जाएगा, 133 का ये सी हो जाएगा हमारा। तो आगे चलते हम लोग, अब देखते हैं 134। 134 में साथियों क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हम्प ऑपरेशन के विमानों के अवशेष को समर्पित संग्रहालय द हम्प वर्ल्ड वार सेकेंड म्यूजियम, यानी द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो असम, अरुणाचल प्रदेश या फिर उसके जो पहाड़ी एरिया उधर के थे नॉर्थ के, तो नॉर्थ ईस्ट के, तो वहां पर जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय बहुत सारे लगभग 600 से अधिक जो है वहां पर प्लेन क्रैश हुए थे द्वितीय विश्व युद्ध के समय, तो उसके जो है अवशेषों को इकट्ठा किया जा रहा है, एक म्यूजियम बनाया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में। तो वही कह रहा है कि यह कहाँ बनाया जा रहा है, इसका उद्घाटन कहाँ किया, अरुणाचल प्रदेश में। आगे देखें 135 में क्या है हमारा, तो दो सूची दिया है हमारे पास, एक में केंद्र है और दूसरे में खनिज, कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है मिलाकर पिछले पेज पर विकल्प है वहां पर बता देना है। तो साथियों यहाँ पर डल्ली राजहरा, तो ये लौह अयस्क के लिए खनिज है, डल्ली राजहरा ये लौह अयस्क के लिए है। और ऐसे ट्रिक भी समझ लिए, डल्ली से मतलब डंडी, डंडी मतलब एक लोहे की भी डंडी हो सकती है लकड़ी की, तो लोहे की डंडी, तो ऐसे थोड़ा सा समझ लेंगे तो वो चीजें मतलब याद रहेगा। और जैसे चित्रदुर्ग, चित्रदुर्ग ये कहाँ है, ये किसके लिए है, ये मैग्नीज के लिए। तो साथियों ऐसे समझ लीजिए, जो मैगजीन होता है हम लोग लेते हैं पढ़ने के लिए, उसमें बड़े बड़े चित्र बने होते हैं, तो मैगजीन चित्र या चित्रदुर्ग मैग्नीज ऐसे याद कर लीजिएगा इसे। और कोरापुट बाक्साइट हो जाएगा हमारा, ये हो गया कोरापुट बाक्साइट। और आगे हमारा जो है, हमारा एक ही बचा है मुकुम, ये कोयला पर चला आएगा। तो साथियों एक दो ए बी और सी डी एक दूसरे के जस्ट उल्टे हैं, तो इस हिसाब से चलते हैं, देखते हैं हमारा कौन सा बन रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो है यही बी वाला बनेगा हमारा। आगे देखते हैं 136 में, इसमें कह रहा है साथियों कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो संविधान दिवस साथियों 26 जनवरी को मनाया जाता है, ये बातें सही हैं लेकिन हमसे गलत पूछा है। पंचायती राज जो है 24 जो है, ये पंचायती राज जो है ये सॉरी ये नहीं, पहला ही गलत है हमारा, ये 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, 26 जनवरी को नहीं, क्योंकि इसी दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो ये वाला हमारा सही है, यही उत्तर होगा, क्योंकि यही गलत है, तो गलत पूछा है तो ए वाला ही हमारा उत्तर होगा, और बाकी सब सही है। पंचायती राज 24 अप्रैल, क्योंकि इसी दिन जो है 1973 में यह पारित हुआ था, पंचायती राज के जो सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ था, कानून बना था। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर, सुशासन दिवस 25 दिसंबर, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर। तो सब सही है, एक गलत था। 137, कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य कथन को हमें बताना है। तो पित्तरस यकृत द्वारा स्रावित होता है जो पित्ताशय में संचित रहता है, जी सही बात है, यस सही है ये। पित्त एक गाढ़ा होता है, जी गाढ़ा तो होता है, अम्लीय द्रव है साथियों, अम्लीय नहीं क्षारी द्रव है, तो ये क्षारी द्रव होता है। क्षारी का मतलब इसकी जो पीएच वैल्यू होती है यह 7 से कम होती है, तो याद रखिएगा, सॉरी सॉरी मैं 7 से जो कम होती है वो अम्लीय होती है, 7 से अधिक होती है पीएच वैल्यू, तो ये वाला गलत हो गया आपका, केवल ए सही है। तो अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 139, इसमें कह रहा है साथियों मूत्र का रंग पीला क्यों होता है, मानव मूत्र का जो रंग होता है वो पीला क्यों होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों, मालूम भी है आप लोग को, कक्षा 10 में ही पढ़ाया गया होगा, यह यूरोक्रोम के कारण, विकल्प नंबर ए हो जाएगा। 40 में कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत कहाँ से की गई, तो
विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत झारखंड के खूंटी से किया गया। यह क्या था कि जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके बारे में जागरूकता फैलाना। 41 में अंतर स्त्रावी ग्रंथियां हैं। अंतर स्त्रावी ग्रंथियां जो है साथियों, जैसे कुछ केमिकल होते हैं, केमिकली पदार्थ होते हैं, जैसे हार्मोन्स वगैरह हो गए, तो इनको ब्लड में जो है संचारित करता है, और जो केवल ब्लड में नहीं संचारित करता है, उसके ऊपर करता है सरफेस पर, तो वो हो जाती है हमारी बहिःस्रावी ग्रंथियां। तो यहाँ पर अग्नाशय, पीनियल ग्रंथि, और ये पीयूष ग्रंथि भी है, जनन ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, ये सब के सब जो है अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, तो इसको याद रखिएगा। और हमारा जो है पीनियल ग्रंथि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, यह सबसे छोटी, ये सबसे छोटी होती है, इसको याद रखिएगा। तो विकल्प में हमारा सभी हो जाएंगे। कहाँ है ये? यहाँ पर है, 1 से लेकर 5 तक, 42 में। तो साथियों इसमें मिलाना है हमें, तो देखो कैसे मिलाओगे। सूची 1, सूची 2, इसी को मिला देना है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट दिया है, तो जो सबसे ज्यादा क्लियर हो उसी को पहले मिलाइए। हमें ये क्लियर है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो यानी बी वाला 1 पर होना चाहिए। तो बी वाला 1 पर कहाँ है? केवल केवल सी में है, तो केवल सी में है यहाँ पर, यानी ए वाला 2 पर आ जाएगा हमारा, ए वाला 2 पर आ जाएगा, बी वाला 1 पर, सी वाला 4 पर जाएगा, और ये वाला 3 पर जाएगा। तो यही सही है, सी वाला हमारा। 43 में हमारा क्या है साथियों, कि कह रहा है कि राष्ट्रीय घेंगा नियंत्रण कार्यक्रम 1962 में प्रारंभ किया गया। जी सही है, आयोडीन की अधिकता से घेंगा रोग होता है। नहीं साथियों, कमी से होता है, अधिकता से नहीं, तो यही हो जाएगा, ये हमारा ए केवल सही है, विकल्प नंबर ए हो जाएगा। और देखें 44 में, ओपेक। ओपेक क्या होता है साथियों, आप लोग को मालूम है, जो तेल बेचने वाले देश हैं उनका एक संगठन है ओपेक। तो अंगोला ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों, यानी इसमें शामिल हुआ था अंगोला 2007 में ओपेक में, लेकिन फिर वो हाल ही में अंगोला ने पेट्रोलियम निर्यात देशों के यानी ओपेक से अलग होने की घोषणा की है। तो यस, दोनों बातें सही है इसकी, तो सी सही हो जाएगा। सही पूछ रहा है ना? हाँ। 145 में कह रहा है इसके सदस्य देश वैश्विक जीडीपी, यानी आपको 4 नाम दिए गए हैं, विश्व बैंक, G20, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, तो इनमें से आपको कह रहा है कि इनमें से एक का नाम बताइए जिसके सदस्य देशों की जीडीपी लगभग विश्व की 85% जीडीपी अकेले है, 75% से अधिक तथा विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ऐसा कौन है? G20, अभी G20 हुआ था ना दिल्ली के प्रगति मैदान में। देखें 46 में क्या कह रहा है हमें, तो 46 में हमें कह रहा है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के संदर्भ में 2 कथन है, दोनों पर विचार कीजिए और सही कथन को उत्तर दीजिए। तो कह रहा है हिंदी भाषा के लिए पुरस्कार संजीव को उनके उपन्यास मुझे पहचानों के लिए दिया गया है, और यह संजीव सुल्तानपुर के हैं। यस, दोनों बातें सही हैं, विकल्प सी उत्तर होगा। 47 में कृत्रिम मधुरक यानी स्वीटनिंग एजेंट। कृत्रिम मधुरक क्या होता है साथियों, यह जिससे बनी होती है उससे ज्यादा मीठे होते हैं, जैसे ये जो फ्रक्टोज होता है यह फलों से बनता है, तो जिस फलों से मीठा ज्यादा हो जाता है, जैसे कई फलों को मिलाकर बनाया गया और फलों से मीठा ज्यादा हो जाएगा, तो कई गुना मीठा ज्यादा होता है, एक कृत्रिम मधुरक होता है। कृत्रिम मधुरक जैसे ये चीनी से कई गुना मीठी होती है, लेकिन शुगर जिसको मरीज होता है शुगर का, वो अगर चीनी खाएगा तो उसको नुकसान करेगी, और ये चीनी से कई गुना ज्यादा मीठी होती है, इसको अगर खाएगा तो उसको नुकसान नहीं करेगी, तो सोचने वाली बात है, कितनी अच्छी चीज। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये सुक्रोज तो नहीं होगा, सुक्रोज गन्ने से जो
हमें शुगर मिलता है, इसे हम लोग सुक्रोज कहते हैं, ये तो नहीं होगा कृत्रिम मधुरक, यानी दो नहीं होना चाहिए विकल्प में, तो यानी केवल डी होगा, 1, 3, 4। कि देखो हम लोग कितने आसानी से उत्तर को पा गए, केवल एक फैक्ट मालूम थे, यानी सुक्रोज सैक्रीन स्पार्टम। आगे देखें 48 में, तो आपको बताना है हाल ही में ऐसा कौन सा राज्य है जिसने लोकायुक्त विधेयक पारित किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री व पूरी मंत्री परिषद लोकपाल के जांच के दायरे में आ जाएगा। तो ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र है साथियों, शिंदे सरकार। 48 का ये हो गया, 150, तो 150 है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 150 क्या कह रहा है इसमें साथियों। एक तरफ हमें यहाँ एल्युमिनियम संयंत्र दिया है, और दूसरी तरफ वो कहाँ है वो दिया है। तो साथियों पहला है हमारा भारत में एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, भारतीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, यानी बाल्को। बाल्को साथियों ये कहाँ है, तो बाल्को यहाँ पर साथियों में मालूम है ये कोरबा में है। कोरबा कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, तो ये हो जाएगा यहाँ। और नेशनल एल्युमिनियम कंपनी नालको, तो ये नालको साथियों कहाँ है हमारा, ये भुवनेश्वर में है, ये भुवनेश्वर में है उड़ीसा। और मद्रास एल्युमिनियम कंपनी सलेम में है, मद्रास में। और हिंदुस्तान यानी हिंडालको, यह सोनभद्र में है। तो जो है ये हमारा हो जाएगा सी उत्तर। तो साथियों हमने क्वेश्चन 150 तक बहुत ही भली भांति अच्छे से देख लिया हम लोगों ने, तो उम्मीद करते हैं आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। अब इसके बाद हम लोग एक नए टेस्ट सीरीज के साथ मिलेंगे, एक नई ऊर्जा के साथ, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज होगी जो भी होगी। तो चलते हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।